नमस्ते आप सभी लोगों को, और एक बार फिर से नया वीडियो लेके आ चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर तरफ देश में खुशी का माहौल है, और जैसा कि हमने लगभग कुछ एक महीने पहले शायद से चंद्रयान 3 पर वीडियो डाला था, जिसमें मैंने कहा था कि होप है, आशा है कि चंद्रयान 3 लैंड हो जाए, और हमारी आस पूरी हुई और चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है। चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है और ये पूरे भारत के लिए खुशी की बात है, क्योंकि भारत पहला देश ऐसा है जो कि मून के साउथ पोल पे लैंड किया है। यानी कि भारत पहला ऐसा देश है जिसने मून के साउथ पोल पे लैंडिंग की है। तो भारत ऐसा पहला देश बना है जो कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, और क्योंकि चंद्रयान 3 बना ही इतना अच्छा था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 में जो लैंडिंग हुई है उसमें कैसे लैंडिंग कराई गई, क्या उसकी टाइमिंग थी, ये सब हम लोग चंद्रयान 3 में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे एक बार दोबारा से कि चंद्रयान 2 क्यों लॉन्च नहीं हो पाया था कुछ और चीज़ों के साथ, और मून मिशंस के बारे में भी समझेंगे क्या मून मिशंस क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मून मिशंस पे। चंद्रयान 3 जो था हमारा वो एक मून मिशन ही था, क्योंकि इसको मून का रिसर्च करने जाना था चंदा मामा दूर के, तो वहाँ पर रिसर्च करने जाना था चंद्रयान 3 को, इसलिए मून मिशन तो हुआ ही। अब मान लो तो किसी की गली में किसी का मर्डर करने जा रहे हो तो स्ट्रीट मिशन हो जाएगा वो। इसी तरीके से मून मिशन कई टाइप के होते हैं, जैसे कि अब नासा भी मून मिशन करती है, USSR जो रशिया है अभी के टाइम पे वो भी मून मिशन करता है, चाइना है, दुनिया का हर देश मून मिशन करता है। और कुछ देश जो नहीं कर पा रहे हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं कि आगे जाके वो भी मून मिशन करें। और मून मिशन कई टाइप के होते हैं। पहला मून मिशन होता है फ्लाई बाई मिशन। तो फ्लाई बाई मिशन वो मिशन होते हैं जिसमें क्या है, जो एक हमारे जैसे मान लो चंद्रयान 3 में जो उसका चांद के पास जाने वाला रोवर लैंडर था, क्योंकि चंद्रयान 3 में लैंड होना था, लेकिन फ्लाई बाई मिशन में क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट जाता है, मान लीजिए ये चांद है, स्पेस क्राफ्ट गया और यहाँ से निकल के फिर धरती पे चला जाएगा। स्पेस क्राफ्ट जो है चांद के पास जाता है, चांद के पास ऑर्बिट भी नहीं करता, सीधा वहां से निकल जाता है, कुछ फोटो वगैरह खींच लेता है, थोड़ा बहुत जितना भी रिसर्च हो पाए उतने टाइम में कर लेता है और आ जाता है। ये होते हैं जनरली सबसे इजी मिशंस जिनको कहते हैं फ्लाई बाई मिशन। और पहला फ्लाई बाई मिशन किया था USSR। अब आप लोग सोच रहे होंगे USSR क्या है, पहला फ्लाई बाई मिशन USSR ने किया था। USSR है जो अभी के टाइम पर रशिया है, रशिया सोवियत यूनियन सुना होगा शायद आप लोगों ने, तो रशिया में कहने बहुत सारे कंट्री ज्वाइंट हुआ करते थे, तो उन्हीं सारे कंट्रीज जब वो ज्वाइंट हुआ करते थे तो वो पूरा एक कंट्री खुद को मानते थे, जैसे कि अखंड भारत, ऐसे अखंड रूस, ठीक है, तो उसको कहते हैं USSR। तो पहला फ्लाई बाई मिशन किया गया था USSR के द्वारा, जो कि जनवरी 1959 में किया गया था, जो कि पहला फ्लाई बाई मिशन था। तो दूसरे मिशन पे आते हैं मून के, जो कि है हमारा सेकंड मिशन होता है ऑर्बिटर मिशन। क्या होता है ऑर्बिटर मिशन में, जैसे इसमें फ्लाई बाई मिशन में स्पेस क्राफ्ट मून के पास से निकल जाता था, लेकिन ऑर्बिटर मिशन में स्पेस क्राफ्ट जाके मून के चारों ओर ऑर्बिट करेगा। जैसे मान लो मैंने अर्थ से स्पेस क्राफ्ट छोड़ा और ये है मून, तो ये इसके चारों ओर जाएगा और ऑर्बिट करता रहेगा और कुछ फोटोज वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके कर देगा। तो ये होता है ऑर्बिटर मिशन। सबसे पहला ऑर्बिटर मिशन भी USSR ने किया था 1966 में, और उस टाइम पे केवल दो ही ब्रॉड जो थी, जो 1900 से 2000 तक, यहाँ पे सबसे ज्यादा मून रिसर्च की जो है आग लगी है, और उस टाइम पे केवल दो ही हुआ करते थे कंट्री जो कि उसमें बहुत ज्यादा आगे रहे उस टाइम पे, USSR और नासा। तो फ्लाई बाई मिशन भी सबसे पहले USSR ने किया था, और ऑर्बिटर मिशन भी सबसे पहला USSR ने किया है 1966 में।
दिया था, तो उसमें बेसिकली बस ऑर्बिट करता है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और जो हमारा चंद्रयान 2 था, जो कि मतलब तरीके से फेल हो गया था उसमें, क्योंकि वो लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन उसका जो ऑर्बिटर है वो अभी भी चांद के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। तो जो ऑर्बिट कर रहा है उसको हम एक तरीके से ऑर्बिटर मिशन कह सकते हैं। अब तीसरे मिशन पे आते हैं हमारे, जो कि होते हैं इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन में क्या होता है, मून मिशन की एक और वेराइटी है जिसमें कुछ नहीं होता है। एक स्पेसक्राफ्ट जाता है, उसमें मतलब दो टुकड़े होते हैं, ठीक है, उस स्पेसक्राफ्ट में। तो वो एक स्पेसक्राफ्ट, वो उसका होता है ऑर्बिटर, तो वो अलग होके मून के चारों ऑर्बिट करता है। और जो दूसरा हिस्सा होता है, नहीं 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 वो लैंड नहीं करता है, वो जाके सीधा चांद की धरती पर टकरा जाता है। अब ऐसा क्यों, चांद की धरती पर क्यों टकरा जाता है, इसी को इम्पैक्ट प्रोमोशन कहते हैं। एक हिस्सा ऑर्बिट करेगा, दूसरा जाके चांद की धरती पे टकरा जाएगा, क्रैश कर दिया जाएगा, इसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रोमोशन। जो चंद्रयान 1 था हमारा, जो कि एक सक्सेसफुल इम्पैक्ट प्रोमोशन रहा था, इसमें क्या था, चंद्रयान 1 में जो है उसका ऑर्बिटर पहले ऑर्बिट कर रहा था, ओके, और जो चंद्रयान 1 का इम्पैक्ट मिशन के लिए गया था स्पेसक्राफ्ट, वो जाके मून की धरती पे क्रैश कर गया। अब क्रैश करने के बाद, जैसे क्रैश कर गया तो कुछ धूल उठी और जो ऑर्बिटर होता है, ऑर्बिटर में मून, उस टाइम पे एक डिवाइस लगा हुआ था चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर में, मून मैपर MP3 कुछ करके शायद नाम था उसका। तो चंद्रयान 1 में वो लगा, ऑर्बिटर में लगा हुआ था, और जब इम्पैक्ट प्रूफ मिशन में चंद्रयान जब वो टकरा गया, क्रैश हो गया स्पेसक्राफ्ट, तो धूल उठी तो मून मैपर MP3 जो डिवाइस था उसने उस धूल की जांच की और पता चला कि चांद की सोयल में थोड़ा सा पानी मौजूद है, और तभी से जंग चालू हो गई चांद पे पानी ढूंढने की। अब जैसा कि चंद्रयान 2 चांद पे पानी ढूंढने के लिए ही भेजा गया था, परंतु फेल हो गया। लेकिन अब चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, और हम पहली देर से साउथ पोल पे जाने वाले, और हम ये ढूंढ के दिखाएंगे कि चांद पे पानी है। और जैसा कि मोदी जी ने कहा था, कई लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं चाहूंगा कि आप देखें, ये देश के लिए गर्व की बात है, और आप नहीं देख रहे हैं नागरिक क्यों भाई, ज्यादा हो गई। तो आप देख सकते हैं उसमें मोदी जी ने भी कहा था कि पहले एक कहावत होती थी चंदा मामा दूर के, लेकिन अब चंद्रयान 3 के साउथ पोल पे पहुंचने के बाद अब कहावत आगे की पीढ़ियों के लिए बदल जाएगी और हो जाएगी चंदा मामा दूर के नहीं, टूर के। जो टूर जाता है ना, यानी कि टूर के, अब वहां पे कोई भी जा सकता है। और जैसा कि चांद के ऊपर बहुत सारी रिसर्च चल रही है, उस हिसाब से लगता भी है कि चांद पे मतलब कुछ उस डिकेड्स मिलेनियम बाद जो है आई थिंक प्लॉटिंग भी होने लगेगी, वैसा मेरा मानना है, अब आपका जो। तो चल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मिशन की ओर। नेक्स्ट मिशन है हमारे लैंडर मिशन, जो कि सबसे मान लो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा किए जाते हैं लैंडर मिशन, ठीक है। तो चंद्रयान 2 और 3 दोनों ही लैंडर मिशन थे। अब लैंडर मिशन में बेसिकली क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट जाता है थोड़ा ऑर्बिट करके मून की सरफेस पे लैंड कर जाता है, उसको कहते हैं हम लोग लैंडर मिशन। तो ये होते हैं हमारे लैंडर मिशन। जैसे जो हमारा लैंडर था चंद्रयान 3 में लैंडर था, वो लैंड कर गया, तो चंद्रयान 3 भी एक लैंडर मिशन था। तो अब लैंडर मिशन में भी दो टाइप होते हैं, एक रोवर लैंडर मिशन और एक ह्यूमन लैंडर मिशन। तो इनमें क्या होता है, रोवर लैंडर मिशन में क्या होता है, जो लैंडर होता है, जैसे लैंडर मिशन में होता है कि लैंडर लैंड करेगा, तो अगर अकेले लैंडर मिशन है तो केवल लैंडर ही चारों तरफ की एग्जामिन करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। लेकिन रोवर लैंडर मिशन में क्या होता है, उसके अंदर एक कार टाइप की रहती है, जो कि रोबोट और कंप्यूटर से पहले ही प्रोग्राम रहती है, रोबोटिक टाइप की थोड़ी। तो वो लैंडर से बाहर निकल के चांद के चारों ओर घूम के बहुत सारे दूर दूर जगहों की रिसर्च कर सकती है, तो इसको कहते हैं रोवर लैंडर मिशन। और ह्यूमन लैंडर मिशन क्या होता है, नाम समझ ह्यूमन से समझ सकते हैं, यानी कि हम इंसान।
ह्यूमन लैंडर मिशन होते हैं, जो लैंडर होता है वो लैंडर लैंड होगा, लेकिन उसमें से रोवर नहीं इंसान निकलेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं रोवर, सॉरी ह्यूमन लैंडर मिशन। तो पहला ह्यूमन लैंडर मिशन में सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फुट रखने वाले थे नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ बज एल्ड्रिन, तो ये नासा की तरफ से भेजे गए थे। और शॉकिंग बात तो ये, पहला रोवर मिशन जो था, रोवर लैंडर मिशन, वो किया था यूएसएसआर ने 1917 में। लेकिन ह्यूमन लैंडर मिशन में यूएसएसआर पीछे रह गया और पहला ह्यूमन लैंडर मिशन कर दिया अमेरिका ने, जो कि किया था 1969 में अमेरिका ने, और जो नील आर्मस्ट्रांग हमारी देश ने पहली बार चांद पे कदम रखा था। तो नासा ने सबसे पहले किया था ह्यूमन लैंडर मिशन 1969 में, और रोवर लैंडर मिशन पहली बार किया था यूएसएसआर ने 1970 में। तो जो अब जैसे कि लैंडर रोवर लैंडर मिशन आप समझ सकते हैं, हमारे चंद्रयान 3-2 दोनों ही रोवर लैंडर मिशन थे, और इनमें जो रोवर है दोनों का ही नाम प्रज्ञान रखा गया है। अब चंद्रयान 2 तो किसी गिलिच की वजह से, क्योंकि सॉफ्टवेयर गिलिच हो गया था, थोड़ा पांच से ही भटक गया था तो नहीं हो पाया, लेकिन जिस दिन में श्योर नहीं हूँ किस दिन ये वीडियो आएगा, लेकिन सक्सेसफुली चंद्रयान 3 हमारा लैंड हो चुका है, जो कि 20 आई डोंट नो ये वीडियो किस दिन आएगा, लेकिन डेट बता देता हूँ 23 अगस्त को शाम के 6:04 पूरी एक्यूरेट टाइमिंग है। इस टाइम पे चंद्रयान 3 जो है मून की सरफेस पे लैंड हुआ था, और इस बार लैंडिंग में आसानी लोग कह रहे हैं इसरो वाले, बहुत आसान थी इस बार की लैंडिंग, क्योंकि जो चंद्रयान 2 का लैंडिंग सरफेस था वो बहुत कम था, लेकिन चंद्रयान 2 के लिए लैंडिंग सरफेस चुना गया था बहुत कम था कि इस जगह के अंदर लैंड कर सकता है, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए चंद्रयान 2 से 4 गुना ज्यादा बड़ा लैंडिंग स्पेस जो है ढूंढा गया था, कितना 4 गुना ज्यादा बड़ा, तो इसलिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है इजी हो पाई थी। तो चंद्रयान 3 6:04 पर लैंड हुआ और सब जगह ताली बज रही थी, और मैं भी अपने टीवी पे देख रहा था दोस्तों के साथ, मैंने भी बहुत तालियां बजाई हैं, आप लोगों को भी बजानी चाहिए थी, जिसने नहीं देखा तो जाके देखो, यूट्यूब पर डला होगा। तो चंद्रयान 3 जो है लैंड हो चुका है, और उसका मकसद कुछ नहीं है, बस पानी, मतलब जो हमारा चंद्रयान 1 ने रिसर्च की थी कि पानी शायद हो सकता है मून पर, तो उसी के लिए चंद्रयान 3 को भेजा गया है। लेकिन चंद्रयान 3 के बाद केवल 14 डेज का टाइम है ये पूरी रिसर्च करने के लिए, केवल 14 डेज का। अब ऐसा क्यों, देखिए वन लूनार डे जो होता है वो होता है 29 डेज के, अर्थ के जो 29 डेज होते हैं, अर्थ के 29 डेज मिला लो तो वन लूनार डे होता है, यानी एक चांद का दिन कंप्लीट होता है, तो उस हिसाब से चांद का एक दिन लगभग 14 दिन, चांद का दिन 14 दिन का होना चाहिए, रात 14 दिन की। तो जैसे लूनार डे होता है उसी लूनार डे के अंदर अंदर हमारे चंद्रयान 3 को रिसर्च करनी है 14 दिन में, क्योंकि अगर लूनार नाइट हो गई यानी कि चांद पे रात उस टाइम हो गई, सूर्य की किरण चली गई, तो वहां पे लूनार नाइट में -232 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। तो इस वजह से चंद्रयान 3 में जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह जो के सॉफ्टवेयर लगी हुई है या फिर मशीनरी लगी हुई है वो इस हिसाब से स्पेसिफाइड नहीं है, इस हिसाब से सरवाइव नहीं कर सकती कि वो लूनार नाइट में -232 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सके, इसलिए चंद्रयान 3 को जो लैंड होने के 14 दिन के अंदर अंदर पूरी रिसर्च करनी होगी लूनार नाइट के होने से पहले, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है लूनार नाइट में, और तब उसके काम पार्ट्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि -232 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो चंद्रयान 3 आई होप चांद पे पानी का पता लगा ली।
और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चंद्रयान 3 में जो है सीप नाम का लगा हुआ है एक पार्ट SHIPE सीप, जो कि मैंने बताया था आपको कि इस अपने यहाँ जो मतलब अर्थ के और दूसरे अर्थ जैसे प्लेनेट हमें ढूंढ के बताएगा जिस पर लाइफ हो सकती है, यानी कि एक्सो हैबिटेबल प्लेनेट दिखाएगा। लेकिन उस टाइम पे वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा था तो कुछ और पार्ट्स जो है उसमें बहुत लगे हुए हैं, जो कि उन्हें 7 कंपोनेंट्स कहा गया है चंद्रयान 3 में जो कि लगाए गए हैं। उस टाइम पे वीडियो लंबा हो रहा था तो नहीं बता पाया। तो जो पहला कंपोनेंट हो रहा था हमारा सेप SHIPE, जो कि हमें हेल्प करेगा एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने के लिए। दूसरा पार्ट जो है उसका दूसरा कंपोनेंट है उसको कहते हैं लिप्स, LIBS इसका शॉर्ट फॉर्म है। LIBS इसका शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये है दूसरा कंपोनेंट हमारा जो कि चंद्रयान 3 में लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका काम क्या है इस कंपोनेंट का काम है जो चांद की मिट्टी है उसकी सॉइल कंपोजिशन जो है उसके बारे में स्टडी करना, यानी कि चांद की सॉइल को कौन कौन सी मिनरल्स है, चांद की सॉइल किस किस कंपोनेंट्स किस किस केमिकल कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, उस सब चीजों के बारे में स्टडी करेगा हमारा ये लिप्स। तो चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट यानी कि थर्ड कंपोनेंट की ओर। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा एपिक्सिस, ऐसा कुछ कहेंगे APXS, इसका APXS इसका शॉर्ट फॉर्म है और तो फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम क्या है, इसका काम थोड़ा सा लिप्स से सेम है जो LIBS था हमारा लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इससे थोड़ा काम सेम है हमारे APXS जो कि है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इन दोनों का काम थोड़ा सेम है। लिप्स जो है हमारा सॉइल की स्टडी करेगा और हमारा APXS जो है कंपोनेंट थर्ड कंपोनेंट वो करेगा चांद के रॉक्स की स्टडी, जो वहाँ पे पत्थर है उनकी स्टडी, उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किन चीजों से बनी है, उनमें कौन सा मिनरल है, उनमें कौन से केमिकल कंपोनेंट्स है, वो किस चीज से मिलकर बनी है, ये सब चीज हमारा स्टडी करेगा APXS जो हमारा पार्ट है वो स्टडी करेगा। फोर्थ पार्ट है हमारा रामभा, RAMBH इसका शॉर्ट फॉर्म है, रामभा RAMBH इसका फुल फॉर्म है रेडियो एंटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। अरे भाई बहुत बड़ा आएगी तो रामभा का काम ये है कि रामभा जो है मून में जो रॉक्स है उनको लेजर मार के जो पिघलाएगा और पिघलने की वजह से रॉक्स में जो स्मोक निकलेगा उस स्मोक की स्टडी करेगा रामभा जो कंपोनेंट है हमारा फोर्थ। तो ये कंपोनेंट का काम है स्मोक की स्टडी करेगा और उसका केमिकल कंपोजिशन देखेगा। पता नहीं कि सब केमिकल कंपोजिशन देखने के लगे, फिजिकल भी देख लो भाई, कोई हमने भी फिजिकल वीडियो बनाया था फिजिकल चीज देख के लो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो रामभा का काम है चट्टानों को पिघलाना, उनसे जो धुआं पैदा हो उसकी स्टडी करना। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा ELSER, शॉर्ट फॉर्म है ILSA, तो फुल फॉर्म इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेंसिटिव एक्टिविटी। अब ये ELSA का काम क्या है, ELSA का काम है जैसे कि A few moments later। वाह भाई जैसा कि अभी आपने देखा हर पार्ट को एक साथ है, उसी तरह मून पे भी मून को एक साथ होंगे क्योंकि नॉर्मल बात है टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगे तो मून को एक आएंगे अर्थक्वेक्स आएंगे, उसी की स्टडी करने के लिए ये कंपोनेंट लगाया गया है। अब सेवेंथ और लास्ट कंपोनेंट है हमारा LSR, जो कि सैड बात है ये इंडिया ने ये अभी तक नहीं बना पाया है और ये LSR जो है नासा से इंडिया ने लिया है लेकिन कम से कम यूज किया है, ये अच्छी बात है। तो इसका काम कुछ नहीं है, ये जो LSR है वो LSR जो है जहाँ पे चंद्रयान है मतलब जैसे रोवर में जो LSR लगा हुआ है तो उस रोवर की डिस्टेंस अर्थ से कितनी है वो बार बार बताएगा ये LSR। तो इसका काम कुछ नहीं है, केवल इतना ही काम है LSR का। और ये थे 7 कंपोनेंट जो कि चंद्रयान
चंद्रयान 3 में लगे हुए हैं एंड आई होप आप लोग भी खुश होंगे। चंद्रयान 3 जो है लैंड हो चुका है और आशा है कि आपने रिसर्च अच्छे से पूरी कर लिया है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करना, इन्फॉर्मेशन मिली हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि अकेले इन्फॉर्मेशन लेना सही नहीं है, सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसी लाइन के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। गुड बाय, जय हिंद।